और अब कुछ खबरें आलमी मंजरनामे से। सऊदी अरब मदीना मुनव्वरा की रौनकें उरूज पर लाखों ज़ायरीन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद सलाम पेश कर रहे हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे कमरान मलिक से। जी कमरान मलिक, बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ मदीना मुनव्वरा में, मस्जिद नबी में। आज जुमरात का दिन था। आज जुमरात के दिन जो है 22 लाख लोगों ने रोज़ा इफ्तार किया है, और कल जो तादाद बता रहे हैं कि 3 मिलियन से ज़्यादा जो ज़ायरीन हैं कल हरम शरीफ मदीना मुनव्वरा में रोज़ा इफ्तार करेंगे। अगर नाज़रीन इस दफ़ा रमज़ान में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा तादाद में इजाफा हुआ है ज़ायरीन का, और बताया ये जा रहा है कि इस रमज़ान के महीने में मक्का और मदीना में तकरीबन 6 करोड़ से ज़्यादा आज़मीन जो हैं वो उम्रा की शहादत और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद व सलाम पेश करने के लिए मदीना मुनव्वरा में हाजिर हुए। जी चीन में मुनक़िदा बू आओ एशियाई फॉर्म में पाकिस्तान समेत दीगर एशियाई ममालिक की शिरकत। शुरका ने कहा कि इस वक्त एशिया अहम आलमी सरमायाकारी को रागब कर रहा है, जिसमें इक़्तिसादी तरक्की और नई सनअतों की तरक्की के वसी इम्कान मौजूद हैं। मज़ीद तफ़सीलात बेजिंग से शाहिद अफराज़ खान की इस रिपोर्ट में। बुआओ फोरम ब्रह एशिया सालाना कॉन्फ्रेंस 2024 के निकाह चीन के सूबे हैनान में किया गया। एशिया का डेवोस कहलाने वाले इस फोरम में पाकिस्तान समेत दीगर एशियाई ममालिक के रहनुमाओं और आलमी मंदूबीन ने शिरकत की। चीन के आला कानून साज और नेशनल पीपल्स कांग्रेस की कायम कमेटी के चेयरमैन चावला जी ने फोरम से अपने कलीदी खिताब में वाजे किया कि चीन जदद तराजी पर मबनी तरक्याती हिकमत अमली पर अमल करेगा, साइंसी और तकनीकी जदद तराजी के जरिए सनअती जदद तराजी को फरोग देगा और नई म्यार की पैदावारी कुवतों की तरक्की को तेज करेगा। उन्होंने वाजे किया कि चीन आला म्यार के आलमी इक्तसादी और तजारती कवानीन के साथ फाल तौर पर हमाहंग होगा और एक फर्स्ट क्लास सरमायाकारी का माहौल तश्कील देगा। उन्होंने मजीद कहा कि चीन में सरमायाकारी मुस्तकिल में सरमायाकारी है, क्योंकि चीन की सुपर मार्केट अजीम सलाहियतों को फरोग देती रहेगी। पाकिस्तान के साबिक निगरा वफाकी वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर और सी पैक के साबिक खसूसी LG जफरुद्दीन महमूद समेत फोरम में शरीक दीगर शुरका ने मुख्तलिफ फोरम्स में शिरकत के दौरान कहा कि इस वक्त एशिया अहम आलमी सरमायाकारी को रागिब कर रहा है, जिसमें इक्तिसादी तरक्की और नई सनअतों की तरक्की के वसी इम्कान मौजूद हैं। इस वक्त दुनिया में मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स फाल हैं जो अहम किरदार अदा कर सकते हैं, जिनमें से एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी है। शुरका के ख्याल में जिन ममालिक ने बहुत अच्छा काम किया है और पुरकशिश सम्राट हासिल किए हैं, उन्हें अब अपनी कामयाबियों के सम्राट बाकी तरक्की पजीर दुनिया के साथ बांटने की जानिब रुजू करना चाहिए, जो बदस्तूर मुश्किल से दो चार हैं। एशिया का डिवोर्स कहलाने वाले बवाओ एशियाई फोरम के दौरान जहां शुरका ने एशियाई ममालिक और एशियाई मैशतों की तरक्की के बारे में तबादला ख्याल किया, वहां कसाद के शिकार आलमी मैशत की बहाली के लिए भी उम्दा तजवीज सामने आई हैं, जो मुश्तरका खुशहाली के अहदाफ को आगे बढ़ाने में इंतहाई कलीदी अहमियत के हामिल हैं। शाहिद अफराज़ खान, बीजिंग। रफा में इसराइली फौज के मुमकिन हमले के बारे में खदशात का इजहार करने के बावजूद अमेरिका ने इसराइल को अरबों डॉलर का बम और लड़ाका तैयारी भेजने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। कतरी नशरियाती अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज की गजा में बर्बरियत का सिलसिला जारी है। गुजशत 24 घंटे के दौरान गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फसाई हमलों में खवातीन और बच्चे समेत 71 फलस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइली तैयारों ने सलाउद्दीन स्ट्रेट पर गाड़ी बमबारी की। ताज़ा हमलों में शजाइया के स्पोर्ट्स सेंटर को रिकार्डों से निशाना बनाया, जहां पर खंद अफराद ने पनाह ले रखी थी। अलावा सीन सहयोनी फौज ने अलकानून में अलशफा अस्पताल के अहाते में तबाहशुदा घरों को आग लगा दी। दीनी इस्लाम के सबसे मुकद्दस मकामात मस्जिद हराम और मस्जिद नबी शरीफ में हजार अफराद आज इतकाफ बैठेंगे। मस्जिद हराम और मस्जिद नबी शरीफ में हजारों अफराद आज नमाजी असर के बाद इतकाफ पर बैठेंगे। मुतकफीन में सऊदी शहरों के अलावा मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में रोजगार के लिए मुकीम तारकीन वतन और ज्यारत के लिए आने वाले अफराद शामिल हैं। मस्जिद हराम में 3000 अफराद इतकाफ करेंगे, जिनमें 2500 मर्द और 500 खवातीन शामिल हैं। इतकाफ के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज रमजान शुरू होने से पहले ही हो गया था। अरमीन शरीफ अथॉरिटी की जानिब से मस्जिद हराम में इतकाफ की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। अदारा उमूर रहनुमाई के असिस्टेंट डायरेक्टर ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि इतकाफ के लिए महसूस जगह को मुतकफीन के इस्तकबाल के लिए तैयार कर लिया गया। इतकाफ करने वालों को रोजाना 3 खाने फराहम किए जाएंगे, जो सेहत के लिए मियार और जवाबत के मुताबिक तैयार होंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ने कहा है कि अमेरिका ने इमदाद ना दी तो यूक्रेनी फौज को सिपाही इख्तियार करना पड़ेगी। रूस के खिलाफ कामयाबी हासिल करने के ख्वाहिशमंद यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को जंग में शिरकत नजर आने लगी। अमेरिकी सदर को एक इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर अमेरिका ने तआवुन ना किया तो इसका मतलब ये होगा कि यूक्रेन दिफा से महरूम हो गया है।
यूक्रेन के पास पेट्रियट मिसाइल नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉनिक जंगिंग के आलात भी नहीं होंगे, 155 मिलीलीटर आर्टिलरी गोले नहीं होंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी सदर ने कहा है कि इस सूरत में फौज वापस लौट आएगी, कदम ब कदम पासपाई इख्तियार करेगी। सदर जेलेंस्की ने मजीद कहा है कि यूक्रेन के पास दिफाई निजाम नहीं, वो निजाम बना रहा है, इसके पास मिसाइलों की भी शदीद कमी है। उसका कहना है यूक्रेनी फौज पासपाई से बचने की राह तलाश कर रही है, अगर महाज पर सूरतेहाल मुस्तहिम रही तो सूरत में यूक्रेन दिफाई के लिए नए ब्रेगडीजर को तैयार और मसला कर सकता है।